प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज जो कि कंफर्म हो चुकी है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आपने एंड तक जो है ना लाजमी देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना। मैं आपको पाकिस्तान की और साथ ही में इंडिया की भी बल्कि अभी पाकिस्तान की रात को पाकिस्तान इंडिया दोनों की आपको कंफर्म प्लेइंग 11 बताने जा रहा हूं जो कि 90% दोनों टीमों की यही प्लेइंग 11 खेलने वाले हैं। बल्कि 90 नहीं आई इंडिया की 90 पाकिस्तान की 99.99 पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बिल्कुल साफ सीधी होने वाली है जैसे कि मैक्स ह्यूरन और बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हिंट्स भी दे दी थी और वो हिंट्स ऑलमोस्ट कंफर्म किस्म की हिंट्स थी। पाकिस्तान प्लेइंग 11 वर्सेस इंडिया फॉर टुमारो 24th October बिग मैच। पाकिस्तान के लिए पहले बैटिंग करेंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। ओपन करेंगे ओपनर्स भी कन्फर्म जैसे कि बाबर आजम ने कहा और मैच ह्यूरन ने भी कहा। वन डन फखर जमान देखने को मिलेंगे आपको। नंबर 3 के ऊपर फखर जमान आएंगे। नंबर 4 के ऊपर प्रोफेसर मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक आएंगे। अब अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे ख्याल में से इनमें से एक को आना चाहिए। एक की जगह आपको हैदर अली को लेके आना चाहिए क्योंकि इतना भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कोई दो आप नए लड़के लेके गए हो हैदर अली और मोहम्मद वसीम जूनियर। आपके तो भाई हम यंगस्टर्स लेके गए हैं तो इन दोनों के अलावा तो आपकी टीम में कोई यंगस्टर नहीं है। शायद आप खान यंगस्टर है, इमाद वसीम यंगस्टर है तो आपके पास कोई यंग और सीनियर का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आप हैदर अली या मोहम्मद वसीम जूनियर को नहीं खिलाते हो ये तो आप ही 15 के अंदर थे जिनको आपने नहीं खिलाया। ये हो गया जी। फिर नंबर 6 ये आपको कन्फर्म बता रहा हूँ मैं खेलेंगे शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज। मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। नंबर 6 के ऊपर आपको 99% देखने को मिलेंगे आसिफ अली। नंबर 7 शादाब खान और नंबर 8 पे इमाद वसीम। वो ऊपर नीचे हो सकता है वो आप लोग देख लेगा बट यही पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स का रोल अदा करेंगे। नंबर 7 यानी कि सॉरी नंबर 7 हो गया नंबर 9 के ऊपर मतलब 7 डाउन के ऊपर आपको हसन अली देखने को मिलेंगे। फिर आपको हारिस रऊफ और फिर शाहीन शाह आफरीदी। ये पाकिस्तान की कंफर्म प्लेइंग 11 रहने वाली है। कहीं लिखना है तो लिख ले। मैं यहाँ पर दो चीज़ें जो डिफर करूँगा मेरे ख्याल से हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को आना चाहिए और आप मोहम्मद वसीम जूनियर को भेजो यार उससे ओपन ही करवाओ यार उसको ओपन करवाओ फिर इंडिया सामने तुमने बस बल्ला घुमाना आउट हो जाओ। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है तुमने जाना बल्ला घुमाना है यार वो 22 बॉलों पर 50 कर जाओ तो आपकी टीम का वारे नारे हो जाएंगे। आई विल से दैट मतलब हो सकता है ऐसा ही कैन डू दैट बड़ी तेज 50 स्कीम है उसने ऐसा नहीं होगा। देन हैदर अली नहीं होंगे हफीज और शोएब मलिक ही होंगे। ये दो चेंजेस मैं चाहता था लेकिन जो कंफर्म नहीं किया उन्होंने आपको बताई है। अगर कोई चेंज कोई इंजरी नहीं होती है तो यही पाकिस्तान की 100% या 99.99% यही आपको कंफर्म प्लेइंग 11 देखने को मिलने वाली है। आते हैं जी इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो इंडिया की जो प्लेइंग 11 रह सकती है इस मैच के अंदर वो जो है ना जी वो उसमें मेरे ख्याल से जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे बल्कि इंडिया की तो मैंने आपको रात को बताने ना तो रात को बताएंगे आपके चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथ में लाइक करें। टेक केयर। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।